औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीमा के दस्तखान के साथ मैं हाजिर हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, आपका दस्तखान हमेशा भरा रहे, दूसरों में खुशियाँ बांटें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पॉप बाइट्स, तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। चिकन पॉप्स के लिए मैंने लिए है चिकन, लिए मैंने एक कॉली 250 ग्राम, उस तरह से मैंने क्यूब्स में काट ली है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, इस तरह से क्यूब्स में काट लें। और इसके लिए मैंने लिया है मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून के जितना, सिरका लिया है 1 टेबलस्पून के जितना, नमक 1/2 टीस्पून के जितना, काली मिर्च 1/2 टीस्पून और चाट मसाला 1/4 टीस्पून के जितना। इन सबको हम मैरिनेट करेंगे। अच्छा, इसमें हम पहले सब सामान डाल लेते हैं। नमक डाल दिया मैंने 1/2 चाय का चम्मच का, कम ले लिया, 1/2 चाय का चम्मच से कम ही लीजिएगा, तेज़ हो जाएगा। अभी बैटर में भी डालना है। काली मिर्च लिए 1/2 चाय का चम्मच, लिए सिरका लिया है 1 टेबलस्पून के जितना, ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून के जितना, चाट मसाला 1/4 टीस्पून के जितना, ये हमने इसमें लिया है। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट लेंगे हम 1 चाय का चम्मच के लेंगे हम, बस इस तरह हमने लिया। इन सबको मिक्स करेंगे। मैंने इसमें चिकन डाल देनी है, इन सबको मैरिनेशन करके हमने 1/2 घंटे के लिए रख देना है। इसको मिक्स करके 1/2 घंटे इसको मैरिनेशन करना है। अच्छा, इसके बैटर के लिए लिया है मैंने मैदा लिया है 1/2 कप। इसके लिए मैंने चावल का आटा लिया है 1 टेबल स्पून, नमक 1/4 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून और इसके अंदर मैंने लिया है ये कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून के जितना, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के जितना लिया है मैंने इसके अंदर, और पानी, ठंडा पानी लेंगे इसको बैटर बनाने के लिए। ठीक है, नमक काली मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बस इतना ही बहुत रहता है। तेज़ करना चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल दें, काली मिर्च डालें तो और डालना चाहें तो डाल दें। अब मैंने सबको मिक्स करना है सिंपल। कॉर्नफ्लोर लिया मैंने 2 टेबल स्पून के जितना, आटा लेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक और काली मिर्च लेंगे 1/4 टीस्पून। इन सबको मिक्स करेंगे और गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे हम इसको। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाएंगे, ठंडा पानी लेंगे, इसको बैटर बनाते जाएंगे। तरीके से हमने इसको बैटर बना लिया, इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। बस इसकी इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, बस इतना होना चाहिए। ये देखें, टॉट या आइसक्रीम के स्टिक्स ले लेंगे हमने इसके अंदर। आइसक्रीम के अंदर इस तरह से हल्के हल्के से स्टिक्स में इसके अंदर पिरो देना है इसको, और सीधा इसको डिप करना है हमें बैटर में और फ्राई कर लेना है। इस तरह से सारे स्टिक्स पे लगा लेंगे हम। अगर स्टिक्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, ऐसे भी आप फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने सब स्टिक्स पे लगा लिया। अब मैंने ये जो बैटर बनाया था इसके अंदर सिंपल यूँ डिप करना है, उसको मुझे फ्राई के लिए डाल देना है। ठीक है, अच्छा इस तरह से हमने करी, बैटर में डिप किया, हमने सिंपल इसको फ्राई कर लेना है। मीडियम आँच पर करना है, इसमें मीडियम फ्लेम पर करिएगा, तेज पर नहीं। बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिया है। इसको चिकन पॉप बाइट्स तैयार है, फ्राई ज़रूर करेगा, शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो देखेगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिएगा। जिंदगी रही तो कल नई डिश के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।